हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग, और आज इस व्लॉग में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो नूडल्स बनाने जा रही हूँ और वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। सो कैसा बनता है, गॉड नोस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या करने वाली हूँ, फिर आप आते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में जैसे देख सकते हैं मुझे पसीना आता है बहुत। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, इतना पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। और ये रही हमारी नूडल्स, थोड़ी सी मोटी है तो पता नहीं कैसा बनेगा, लेट्स ट्राई। इसको इसमें डालती हूँ फिर मैंने यहाँ पे नूडल्स को कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डाल के इसको अच्छे से उबाल दें, अच्छे से मतलब 80% उबल जाना चाहिए, 20% नहीं उबलना चाहिए। इसको उबाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो जब नूडल्स बॉयल्ड हो जाते हैं ना, तो उसको ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश करके उसके बाद में इसको अलग रख दें। और यहाँ पर जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको जो दिख रही कट की हैं, अनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और कढ़ाई में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जो ऑयल यूज़ करूँगी वो है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी इसमें, यहाँ पे विनेगर, चिली सॉस और टमेटो सॉस और सोया सॉस, रेड चिली, इतनी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। और ये अजीनोमोटो है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ऑयल मेरा लगभग गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले क्या डालूँगी इसमें, तो यहाँ पे जिंजर और गार्लिक अच्छे से हो चुका है पूरा। और इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए पकाया था क्योंकि इसे स्मोकी सा नूडल्स लगता है, और जिंजर गार्लिक का अच्छा फ्लेवर पता चलता है। तो यहाँ पे अनियन मैंने डाल दिया है, और अनियन डालने के बाद में हम इसे थोड़ा अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और 2-3 मिनट पकाने का ये सेंस है इसमें कि बहुत ब्राउनिश नहीं होना चाहिए और ना ही कच्चा होना चाहिए, बस बीच का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से चलाते रहेंगे, और इसे हाई फ्लेम पे बना रही हूँ मैं। और हाँ, वेजिटेबल की अगर बात करें तो आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो जो आप पसंद करते हो, ब्रोकली, मटर, वॉट एवर यू वॉन्ट आप इसमें डाल सकते हो। बट मैंने इसमें सिर्फ अनियन एंड कैप्सिकम का ही यूज़ किया है, तो बस मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाल दिए। और कैप्सिकम के लिए भी सेम चीज़ है कि बस बहुत इसे पकाना नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है कि कच्चा लगे ये। और इसे अच्छे से 2-3 मिनट इसे भी चलाते रहेंगे। और जब कैप्सिकम अच्छे से हो जाए तब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। अच्छा, मैं इसमें ग्रीन चिली मैं इसमें डालना भूल चुकी हूँ, आप इसमें डाल देना, और अनियन से पहले ही डाल देना या अनियन के साथ में ही डाल देना। इस तरीके से इसको अच्छे से चलाते हुए अब मैं इसमें नूडल्स डालूंगी, जो मैंने रेस्ट करने के लिए नूडल्स रखा था उसे इसमें हम डाल देंगे। और बस यहाँ पे मैंने नूडल्स डाल दिए, ये देखिए कैसे कैसे बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं ये नूडल्स, और बहुत अच्छे से हुआ है। इसमें मैंने पहले नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद में अब मैं इसमें अजीनोमोटो डालूंगी, थोड़ा सा अजीनोमोटो पड़ेगा। और ये रेड चिली सॉस है इसे डाल दिया, ये सोया सॉस है इसे भी डाल दिया, और इसके बाद वेनेगर डाल दिया है, और वेनेगर के बाद में ग्रीन चिली डाल दूंगी। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, पूरे नूडल्स में अच्छे से मिक्स करना है, और हाई फ्लेम पर ही मिक्स करना है इसे। बस इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। इसमें नूडल्स का मसाला आता है, आप चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो, पर मैं ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, वो फिर ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, ऐसे मुझे पसंद है। और
ये देखें नूडल्स बिल्कुल भी कहीं भी चिपके नहीं है, बिल्कुल खिले खिले से हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि मोटा है नूडल्स तो उतना अच्छा नहीं टेस्ट आएगा, बट इसका अच्छा टेस्ट आया था, अच्छा लगा था मुझे। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स बनके रेडी हैं, बस 2-3 मिनट और इसे अच्छे से चला दें तो ये बिल्कुल अच्छे से बन गया है और हम इसे सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। सो यहाँ पे मेरे नूडल्स बनके रेडी हैं, देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर हाँ फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।